सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं सारे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं शिमला से हिमाचली मॉम सुनीला आपका अपने ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। पिछले कल कम्युनिटी में एक पोस्ट डाली थी कि आप मुझसे जो है अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हालांकि मैं इंस्टा पे भी डालना चाहती थी क्योंकि इंस्टा पे भी बहुत सारे जो है फॉलोअर मुझसे जुड़ चुके हैं और उन सभी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि इंस्टा पे जो मेरे वीडियोज़ देखते हैं वो यहाँ पे भी मेरे वीडियोज़ देखते हैं। तो मैं इंस्टा पे पूछती तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाते थे। आपकी इंक्वायरीज है उन सभी के आंसर मैं आपको दूंगी। और मैं अभी गई थी कोटगढ़ बाज़ार तक गई थी क्योंकि आज जो है रौनक के लिए मैंने ड्रेस लाया। लास्ट ईयर की ड्रेस थी, उसकी जो है थोड़ी सी वाइट कॉलर हो गई थी, मतलब कि उसमें ब्राइटनेस नहीं रही थी। तो रौनक ने बोला मुझे अपनी ड्रेस दूसरी चाहिए, तो मैंने फटाफट से उसके लिए दूसरी ड्रेस ला के दे दी है। और शाम की अभी जो है 5 बजे हैं, दाल मैंने चूल्हे पर चढ़ा के रखी है राजमा की, और उसके बाद मैं आ गई हूँ थोड़ा सा खेतों में, क्योंकि आजकल खेतों में दिल भी अच्छा लगता है। उसके बाद फिर चेंज वेज कर लूँगी, थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँगी, फिर शाम के लिए खाना भी बनेगा। पर ये जो क्वेश्चन आंसर ब्लॉग है ये बना देती हूँ, आपको आपके क्वेश्चन के आंसर दे देती हूँ। तो मेक श्योर कि आप वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग जो है सर्च करके देखेंगे पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर ही कर लीजिए। तो जी सबसे पहला कमेंट बोल रही हूँ सबसे पहला कमेंट है जी हमारे यशु पटियाल जी का। ये बताते हैं कि आपका गांव का नाम क्या है और ये कितना बड़ा है। तो जी हमारे गांव का नाम भलाड़ी है और ये सब तहसील कोटगढ़ और तहसील हमारा जो है कुमारसेन है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है। और यहाँ की जो पोस्ट ऑफिस है वो शमातला है। पूरा ही एड्रेस बता दिया है मैंने अपना। और रही बात बड़े की, तो ये गांव बहुत बड़ा है, सामने से दिखाऊंगी आपको तो बहुत बड़ा दिखेगा, लेकिन जो है अभी जैसे कि मैं भी पेड़ों की ओट में हूँ, क्योंकि हमारे जो है पेड़ पेड़ रहते हैं, जैसे कि आपको पता ही है हिमाचल में जो है घर भी पेड़ों के बीच में ही होते हैं मैक्सिमम। अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मेरा घर नहीं दिख रहा है, तो गाँव का भी कुछ ऐसा ही है। वो देखिए गाँव नहीं दिखता है, पूरा गाँव सामने से दिखेगा। तो गाँव इतना है कि 150 से 170-160 लोगों का घर है, या ज़्यादा भी हो सकता है। तो अभी मैं आ गई हूँ अंदर, क्योंकि बाहर जो है बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी और धूप भी हल्की हल्की लगनी शुरू हो गई थी, तो मुझे लगा कि चलिए आराम से बैठ के यहाँ पे जवाब देती हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यार हमारा यूज़र RS5G_9PI3H करके कुछ की, श्रेया कहाँ जा रही है कॉलेज। तो श्रेया कॉलेज कहाँ जा रही है अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, रामपुर या शिमला दो जगह जाएगी अब आगे ये पता नहीं है। जब डिसाइड होगा तो आपके साथ पक्का शेयर कर दूंगी वो कहाँ जाएगी। रौनक स्कूल जाए ना, तो मैं उसको थोड़ा सा वो कर दिया, बीच में गैप ले लिया था मैंने अभी। और नेक्स्ट है जी हमारा अंजू चौहान जी, आप बहुत अच्छे हो, हर प्रॉब्लम का आप अच्छे से हैंडल करते हो, आप इतने मोटिवेट कैसे रहते हो और हमें भी कुछ टिप्स बताओ। तो थैंक यू सो मच, आपको ऐसे लगा। वैसे ऐसा नहीं है, कई बार मैं भी जो है खज्जल बोलते हैं हमारे पहाड़ी में इधर, खज्जल आत्मा बन जाती हूँ। पर हाँ मैं मानती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहती हूँ हर सिचुएशन में, हर हाल में, और अप्स एंड डाउन में हर चीज़ में। तो मोटिवेटेड रहने के लिए मैं करती हूँ योगा मेडिटेशन, और मैं पॉजिटिव रहने के लिए सबसे ज़्यादा क्या करती हूँ, मैं पॉजिटिव रहने के लिए मोटिवेशनल स्पीक सुनती हूँ। ये चीज़ आप लोगों को मिल जाएगी कहीं पर भी, यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, या जहाँ पर भी, जहाँ से भी आप ग्रहण कर सकते हो वो चीज़ें। और मैं वो सब सुनती रहती, मेरे हाथ से कुछ चीज़ें निकल जाती है तो मैं उस टाइम पर क्या सोचती हूँ कि नहीं यार मुझे पॉजिटिव रहना है, क्योंकि उस चीज़ के अलावा कोई रास्ता होता ही नहीं है। अगर हम नेगेटिव रहेंगे तो दो ही चीज़ें होगी, हमारा पतन होगा सेहत का भी और हर चीज़ का। तो पॉजिटिव रह के उस चीज़ को हैंडल कर लेना चाहिए, और सभी के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि सबको ही पॉजिटिव रहना चाहिए। जब लगे कि भाई हाँ अभी थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है लाइफ में, क्योंकि ऐसा तो सबके साथ ही होता है, तो वहाँ पे आपको मोटिवेशनल स्पीक जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा, मैं कृष्णा की जो छोटी छोटी आती नहीं है यूट्यूब पे, वो सुनती रहती हूँ, आखिर ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, और कैसे हम अपने को वो रखें सो रखें, तो ये सब चीज़ें मैं वहाँ से ले लेती हूँ। सोना ठाकुर आपकी फैमिली हमेशा हैप्पी रहे, दी लव यू, थैंक। तो ये क्वेश्चन मुझे पूछा जा रहा है बार बार, एक जो है मनीषा ठाकुर करके भी है एक, कि आप बेबी अडॉप्ट करने की बात कर रही थी दी, आप दूसरा बेबी खुद प्लान क्यों नहीं करती। तो मैं हाँ मानती हूँ, वैसे जो मैंने अडॉप्ट करने की बात की तो आपने शायद ध्यान से नहीं देखा होगा या
शायद आपके दिमाग से निकल गया होगा, वो मैंने उस टाइम बात की थी जब रौनक जो है पैदा हुआ ही था हाल ही में। मैं वो ऐसे स्पेशली सोच के नहीं गई थी, मैंने उस टाइम उस बच्चे को उस सिचुएशन में देखा। अगर आप भी देखते उसको तो आप भी एक घड़ी के लिए ऐसा सोचते कि इसके पास ना ही माँ है ना ही बाप है। दरअसल उनका क्या हुआ था कि वो उनका वो बुआ और मामा जी उनको जो है देखते थे, तो एक 5th में पढ़ने वाला बच्चा और एक 3 साल की बच्ची थी, इतने ज़्यादा क्यूट थे। तो उनके बुआ और मामा बुआ मामा थे या मामा मामी थे, बुआ थे मेरे ख्याल से, तो वो बुआ उनको देख रेख करते थे, जो खुद भी मनरेगा कार्य होता है हमारा एक हिमाचल में। तो उसमें क्या होता है कि मनरेगा पे दिहाड़ी पे जाते हैं, हम भी जाते हैं, अच्छे घरों के लोग भी जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि उसमें गरीब लोग ही जाते हैं। तो उनका जो है मैंने उस टाइम जब देखा कि उनका ना ही घर कुछ खास अच्छा था, ना ही वहाँ पे मतलब कि खाने की कोई बेहतर, जैसे उस घर में कुछ भी नहीं था, उन्होंने इवन कि उसमें लॉक भी नहीं लगाया था, एक कमरा था छोटा सा और साइड में ही एक किचन था। तो उनका मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इस बच्ची को अपने साथ ले जाती हूँ, मैं इसको एक बेहतर भविष्य दे सकती हूँ। क्योंकि जैसा मैं हमेशा ही बताती हूँ कि मुझे एक बेटी का वो था कि चलो बेटी हो, वैसे भगवान जो देता है वो ही सही रहता है, लेकिन फिर मेरा था कि चलो एक ये मिल जाएगी तो मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। तो इस करके मैंने रौनक के बाद अडॉप्ट करने के लिए नहीं बोला था, हालांकि अभी मैं चाहूँ तो कर भी सकती हूँ लेकिन नहीं। और मैं अपने लिए भी यही बोलना चाहूँगी कि बार बार ये चीज़ें, क्योंकि जो हमारे दिल दिमाग में होती है वो चीज़ें हमारी मुंह में या बातों में हमेशा आ ही जाती है। वो पहले की बात थी, उस टाइम की बात हुई थी, वो मैंने एक बात बताई थी। और बाकी रही बात अभी की, तो हाँ जी मुझे अभी भी है कि मैं एक बच्चा, मतलब कि बच्चे मुझे दो ही अच्छे लगते हैं, गलत फैसला है ये। जब जिसके भी हमारे आसपास मैंने देखा है कि हमारे जो है इधर सबके ही मैक्सिमम, कोटगढ़ में तो मैक्सिमम, इवन कि अपर हिमाचल में मानना ही यही है कि एक ही काफ़ी है, इनका ही पालन पोषण कर लो, लेकिन बच्चे जो है मुझे लगता है कि दो होने ही चाहिए। और रही बात नहीं होने की या मैं प्लान क्यों नहीं कर रही हूँ, हालांकि अब वैसे ठीक है उम्र भी है और ज़्यादा ही है, तो इसका एक ही दिक्कत है। जो रौनक भी मैंने कंसीव किया था उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी। रौनक मेरी शादी के 2 साल बाद हुआ था, उस टाइम ऐसा भी नहीं था कि हमने अभी बच्चा प्लान नहीं करना है, हमारा कुछ नहीं था, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, हॉस्पिटल से जाके ही उसके बाद जो है रौनक मुश्किल से कंसीव हुआ। तो उसके बाद जैसे रौनक काफ़ी हेल्दी सा बच्चा था, 4.5 किलो का था, तो मतलब कि उसके बाद मुझे 5 साल के लिए डॉक्टर ने मना किया था, प्राइवेट हॉस्पिटल में रौनक सी सेक्शन से हुआ था, मुझे मना कर दिया था। और उसके बाद जब 5 साल के बाद हमने बाद में जब हम अब सोचते हैं तो रौनक के पापा के हेल्थ इश्यूज हो चुके थे और घर से भी कभी इस चीज़ के लिए बोला नहीं, तो मुझे अब ऐसा लग रहा है, हालांकि 2-3 साल से मैं इस चीज़ के लिए रौनक के पापा को भी बोलती हूँ कि नहीं भाई हाँ एक बच्चा ज़रूरी है, पर वो भी इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। हालांकि मेरी दी बीच वाली दी उसकी भी एक ही बेटी है, उसको भी हमेशा ही बोलती हूँ, मेरी फ्रेंड्स हैं बहुत सारी, मेरी बहनें हैं जिनके बस एक एक, मतलब कि हर तीसरा घर यहाँ पे एक एक बच्चे हैं, तो ये गलत फैसले है, बच्चे तो होने ही चाहिए। जैसे आज हम सहारे के लिए सहारा बोलते हैं ना, हम हमारे एक पहाड़ी में कहावत है कि टीरा का एक पेड़ भी नहीं रहा, मतलब कि अगर थार पे एक पेड़ होगा ना वो भी हवा से इधर उधर हिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे तो होने ही चाहिए, बाकी देखते हैं 2-3 साल तक मैं देखूंगी, होते हैं ठीक है, नहीं तो भगवान ने चाहा तो मैं एक बहुत ही सुंदर सी लड़की पक्का ही अडॉप्ट करूंगी, इसमें मुझे कोई वो नहीं है, मुझे अच्छा लगता है। और क्या ये तो ये भी मेरे मुंह में बोल देते हैं कि अब तेरा अच्छा है, बड़ा हुआ है, फ्री हुई है, नहीं मुझे लगता है कि नहीं तो होनी चाहिए। हालांकि रौनक भी, रौनक से भी मैं इस मामले में खुल के बात करती हूँ, रौनक भी मना कर देता है, बोलता मुझे नहीं है, उसको भी नहीं है, उसको जैसे स्वरित आता है या मेरी दीदी का बेटा आता है वो उनके साथ घुलता मिलता नहीं है, उसको ज्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो खुश है, अकेले ही खुश है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ कि आपके घर से शतला किधर है और कितना दूर है, ये हाँ किधर है लिखा, मेरे घर से शतला अगर हम बाय रोड में जाए, कैंचियाँ कैंचियाँ पड़ती है ऐसे ऐसे चढ़ाई में ऊपर चढ़ने के लिए, तो 10 तो नहीं होगा, ज़्यादा होगा 12-15 किलोमीटर होगा। और अगर हम पैदल ऐसे जाएंगे चढ़ाई में तो 1.5-2 घंटे में पहुंच जाएंगे, मतलब कि बिल्कुल नज़दीक है, यहाँ से थानेदार के लिए भी ऊपर एकदम से निकल जाते हैं, तो थानेदार से नीचे ही तो उधर साइड को थोड़ा सा वीरगढ़ से ऊपर शतला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे का रास्ता है शतला के लिए। और आप लोगों ने मेरा व्लॉग नहीं देखा होगा, मैंने शतला प्रॉपर व्लॉग में दिखाया है, मैं वहाँ गई थी। बाकी
हिमालया ब्यूटी स्टाइल आपकी क्या हॉबी है? और मेरी हॉबी बिल्कुल सिंपल सी है, मेरी हॉबी है म्यूजिक सुनना, घर को एकदम साफ सुथरा रखना और बहुत सारा जो है अच्छा अच्छा खाना बनाना, खाना खिलाना और खुद भी खाना, मेरे घर कोई आए उनको खाना खिलाना। आइए आप भी, आपको भी इनवाइट करती हूँ, मुझे सच में खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने घर में कुछ भी नहीं करती थी, सिर्फ गाने सुनती थी और खाना बनाती थी, दो ही काम थे मेरे बस। और नेक्स्ट है जी नब्बू सिंह जी, आपका ड्रीम क्या है और आप व्लॉगिंग कैसे, आपने व्लॉगिंग कैसे सीखी, क्योंकि मुझे भी करनी है। और मेरा ड्रीम क्या है, मेरा ड्रीम क्या है, अभी जिस स्टेज पे मैं हूँ, मैं एक एज अ व्लॉगर आप सबके सामने आई हूँ, और इतनी बड़ी व्लॉगर भी नहीं हूँ, बहुत छोटी भी नहीं हूँ, ठीक सी हूँ। और मेरा ड्रीम क्या है, मेरा ड्रीम भी भले ही वो पूरा हो, और मैं एम्बिशियस हूँ, एम्बिशियस वुमेन जिसको बोलते हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर बनूँ, बनूँ ना बनूँ वो मेरी भगवान की और मेरी किस्मत, मेरे भगवान की इच्छा और मेरी किस्मत। और व्लॉगिंग कैसे सीखी, मैंने व्लॉगिंग किसी से नहीं सीखी, और मैंने खुद से जो है, मैंने दूसरों के एक दो व्लॉग मैंने देखे, मैं स्टिचिंग के व्लॉग्स देखती रहती थी, तो उसमें बीच में जो है लोकलिटी में व्लॉग आ गए, मैंने देखा, और उन्होंने जब इनकम के, और हाँ इनकम से लेके भी, हाँ चलो उसका मैं बाद में दूंगी आपको आंसर, इसका दे देती हूँ, जब मैंने देखा कि हाँ इसमें इनकम है, क्योंकि हर व्लॉगर जो है व्लॉग, जो भी आप यूट्यूब पे फेसबुक पे कहीं पे भी देखते हो, चाहे वो बड़ा सा बड़ा यूट्यूबर हो, चाहे वो किसी भी फील्ड को टेक से लेकर हो, व्लॉगिंग से रिलेटिव हो, चाहे आपको जो है अपना जैसे संस्कृति को आगे बढ़ा रहा हो, हर चीज जो है पैसे के लिए ही करता है। तो मैंने भी पैसों के लिए ही व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, मेरा भी था कि मैं भी कभी इससे पैसे कमाऊं, वो ही चीज के लिए। अगर आप आज बड़े बड़े जो यूट्यूबर देखते हो ना, जिनके ऐसे लगता है इनके पास सब कुछ है, इनको तो सिर्फ हॉबीज के लिए, नहीं, वो भी उससे पैसे ही कमाते हैं। सिर्फ एक मुझे लगता है जो मोटिवेशनल स्पीकर है ना, हमारे संदीप महेश्वरी, उनके जिनके चैनल मोनोटाइज नहीं है, जिनके एड नहीं लगते हैं, उनके जो है उनका भी एक इशू हो गया था बीच में, क्योंकि अब क्या है कि अब मोनेटाइजेशन से पहले ही एड लगनी शुरू हो गई, पहले एड बाद में आती थी। अब जो है छोटे क्रिएटर्स जो हैं, हम जैसे चलो मेरा तो मोनेटाइज है, मोनेटाइज भी नहीं है जिनका, उन पे भी एड वगैरह आती है, तो अब उनका है, यही है कि भाई मेरा व्लॉगिंग का यही था एक, कि आपने व्लॉगिंग कहाँ से सीखी, तो मैंने यही चीज से सीखी है व्लॉगिंग, जो लोग मैंने देखा देखी मैं ही सीख ली और मैंने करनी शुरू कर दी। हालांकि आज 3 साल हो जाएंगे अभी मेरे कुछ टाइम के बाद व्लॉगिंग पे, अभी भी मैं वही हूँ, मतलब ज्यादा आगे नहीं बढ़ी हूँ, मेरा एक कारण यही है क्योंकि अभी भी मैं सीख ही रही हूँ। और मैंने एक यूट्यूब वीडियो को एडिट करने के लिए, मतलब कि रात दिन एक व्लॉग जो हमारा एडिट करके मेरा सुबह आता था व्लॉग, तो वो मैं पूरे रात 2-2.5 बजे तक बैठी रहती थी, मतलब कि शाम के 9 बजे से 5-6 घंटे मेरे व्लॉगिंग उसमें एडिटिंग में ही लग जाते थे। तो मैं भी चाहती तो किसी बड़े यूट्यूबर को, किसी को भी कांटेक्ट कर सकती थी, मुझे सिखाइए, या जैसे मुझे भी अभी तक क्या ये बोलते हैं, पर मुझे ऐसा लगता था एक यूट्यूबर जैसे मैं हूँ, अगर मैं अभी इतने खुद में ही इतनी वो रहूंगी, मैं घर देखूंगी, बच्चा देखूंगी, या फिर मैं अपना काम देखूंगी, या फिर यूट्यूब का, फिर एक दूसरे के साथ ये चीजें जो है बहुत ही ज्यादा वो कर देती है। तो ये मैंने खुद से ही सीखी, और उसके बाद ये व्लॉगिंग, आप भी वो भी बोल रहे हैं कि, और ये बोल रही है नब्बू सिंह जी कि उन्हें भी व्लॉगिंग करनी है लेकिन नहीं आती है, उसके लिए क्या करना है। आप अभी जहां पे मेरा व्लॉग देख रहे हो, आपका वो अपना अकाउंट है, वो आपका चैनल है, उसमें आपका ऊपर एक खाना सा आया है, अगर आपने उसमें पिक लगाई तो ठीक है, अदरवाइज वो खाली होगा, वही आपका चैनल है, वहीं से ही आपकी वीडियोस अपलोड होगी। इस चीज को मैं एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं दे पाऊंगी, इसके लिए आपको कोई सा भी टेक चैनल खोलना पड़ेगा, वो बहुत ही आराम से यूट्यूब पे कुछ भी सर्च मारो सब आ जाता है, मैंने भी यहीं से ही देख देख के, यूट्यूब से ही देख देख के सीखी, और तभी अभी तक भी मैंने ज्यादा तामझाम नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास इतना ना ही टाइम है और ना ही मेरे पास इतना, जितना भी है जो भी है वो बस एक वीडियो जोड़ के एडिट करके मैं आप तक ओरिजिनल ही कर देती हूँ एडिट वगैरह। प्लीज प्लीज बताइएगा जरूर, बाकी मैं आपको इतना ही बोलूंगी, चैनल आपका ऑलरेडी बना हुआ है, जब आप जिस जो भी यूट्यूब पे अपने वीडियोज लोगों के देख रहे हैं ना, तो वो अपने चैनल से ही देख रहे होते हैं।
और फिर इसको आगे हैंडल करने के लिए एक, अभी तक आप यूट्यूब पे देखते हो वाइट स्टूडियो होता है, वहीं से ही वीडियो अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक अलग से ऐप लेनी पड़ती है जिसमें आप एडिटिंग करते हो, बहुत बहुत सारा, मतलब कि थोड़ी 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 चीजें। आप इसके लिए टेक चैनल देख लीजिए। संगीता शर्मा जी, हेलो सुनीला जी, नमस्ते जी, कैसे हो आप? क्या आप कभी वेस्ट बंगाल आना चाहोगे? जी बिल्कुल, मैं वेस्ट बंगाल क्या, मैं पूरे भारतवर्ष में घूमना चाहती। जरूर जरूर आप हमें बुलाइए अपने घर। शिवानी राणा जी, सिस्टर जी आपने रेस्टा बनाया है, क्या कॉस्ट है उसकी? मैंने भी बनाना था जी, रेस्टा जो है मैंने जो बनाया वो मुझे कपड़ा ही कपड़ा जो है, अगर हम सस्ते से सस्ता कपड़ा लेंगे तो 1100-1200 तक का पड़ जाएगा, अच्छे से अच्छा कपड़ा मिलेंगे तो 5-10 हज़ार तक भी पड़ जाएगा। मैंने जो रेस्टा बनाया है उसका कपड़ा जो है 1500 का है, और 1500 ही उसकी सिलाई थी, और बाकी वो जो दो रेस्टे बनाए वो मेरे पापा ने बनाए थे, मतलब कि मेरे पापा मम्मी ने, उन्होंने बनाए थे, वो मुझे फ्री में मिल गए थे। कपड़ा जो है मुझे गिफ्ट में किया हुआ था। लास्ट एक रेस्टा मैंने जो मेले में पहना था वो मैंने रेडीमेड पहना था, रेडीमेड लिया था, उसका जो है वो मुझे 2600 तक पड़ गया था। तो रेस्टा थोड़ा सा कॉस्टली रहता है, कपड़ा भी इसका थोड़ा सा अच्छा वाला महंगा रहता है, सिलाई जो है इसकी 1000 से 1500 के बीच में है, तो इसका इतना रहता है। मतलब कि अगर आप एक अच्छा रेस्टा बनाना चाहते हो तो 3-3500 में 2500 से स्टार्ट है, 2400-2500 से स्टार्ट है, अच्छे रेस्टे मिल जाएंगे, है ना। ईशा डोगरा जी, आपने कितने तक की स्टडी की है और आप क्या बनना चाहते थे रौनक को बड़ा होकर? मीन्स कि किस लाइन में जाना आप चाहोगे कि जाए? मैंने MA पॉलिटिकल साइंस में स्टडी की हुई है, और उसके अलावा एक कंप्यूटर का भी मैंने करके रखा हुआ है। और मैं क्या बनना चाहती थी, मैं सबसे पहले तो मैं टीचर बनना चाहती थी, लेकिन ज्यों ज्यों मैं बड़ी हुई फिर उसके बाद मुझे लगा कि मुझे एज अ क्रू मेंबर, जिसको बोलते हैं एयर होस्टेस, बनने की तरफ मेरा थोड़ा सा चल पड़ा था, और मैं बनने भी वाली ही थी, तो मैंने वो थोड़ा सा, मेरी जो है कुछ इशू हो गए थे, मैंने वो छोड़ दिया, और उसके बाद मैं बन गई यूट्यूबर और हाउसवाइफ। और मैं मानती हूँ कि मैं बहुत बहुत सारा काम करती हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं बनी, और मैं टेलर भी बन गया और बहुत कुछ बन गए, लाइफ में बेवकूफ भी बन गए मजाक कर रही हूँ, तो होता ही है ऐसे। तो मैं बनना चाहती थी, सबसे पहले तो मेरा ड्रीम टीचर का था, मैं और आज भी मैं दिल से चाहती हूँ कि मैं काश टीचर बनी होती, क्योंकि टीचर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और रौनक के लिए पूछा था, रौनक को आप क्या बनाना चाहोगे, तो रौनक को मैं हमेशा से ही डॉक्टर बनाना चाहती हूँ, लेकिन रौनक डॉक्टर नहीं बनना चाहता, उसके अपने ही सपने हैं, हालांकि सपने बदलते रहते हैं, वो उसकी अपनी इच्छा है जो उसने बनना होगा, मैं उस पर कुछ नहीं थोपती हूँ, मेरा काम है उसको पढ़ाने का और उसका काम है अभी पढ़ने का। अशोक कुमार जी ने बहुत ही फनी वे में एक क्वेश्चन पूछा है कि आप बताओ रौनक की शादी कब होगी? तो रौनक अभी जो है 12 साल का है, 10 साल तक, 22 साल तक तो उसके पढ़ाई लिखाई होगी, 3-4 साल आगे कुछ मतलब कि सेटल वगैरह होने में, तो मान के चलिए 15-20 साल, 15 साल तो, 15-16 साल तो अभी लग ही जाएंगे। तो रौनक की शादी जब होगी तब आपको पता चल जाएगा, मैं जिंदा रही तो व्लॉग बनाऊंगी, मेरे बेटे की शादी है, और 12 साल के बेटे की तो मैं शादी नहीं करूंगी ना, शादी तो पूरा हो एज के होने तक ही। राजपूत दिनू जी का, दी आप बहुत अच्छे हो, आप अपने नीचे वाले घर में क्यों नहीं रहते हो? मैं मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, रौनक की छुट्टी होगी तो आप जरूर जाना, हर बार गॉड ब्लेस यू एंड खुश रहना आप सदा। हाँ जी, नीचे वाले घर में हम रौनक की वजह से ही नहीं रहते, क्योंकि रौनक का बैग ये देखो अभी लाया है उसने, गया ट्राइपॉड में, ये देखो ये बहुत ज्यादा भारी रहता है, इतना बड़ा बैग, ये बैग रौनक तो उठाएगा नहीं, तो ये मुझे उठाना पड़ेगा, और मुझसे भी ये नहीं उठाने बनेगा, क्योंकि ये लगभग उसमें पता नहीं क्या ऐसे पत्थर जैसे भरे रहता है, 25-30 किलो का उसका बैग रहता है। गीता खासू, हेलो दी, हेलो जी, और इस पे जो आए ना एक नूब गेमिंग का है, नाइस वीडियो दीदी जी, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, आप बहुत अच्छे हो दीदी जी, मैं आपकी वीडियोस रोज देखती हूँ, रौनक बहुत ही क्यूट है, आप अपने पूरे परिवार वालों से बहुत, आप पूरे परिवार बहुत अच्छे हैं। मेरा नाम अनुष्का है, सॉरी, मेरा नाम अनुष्का है, आप बहुत अच्छी हैं, सबसे अच्छे आप हो दीदी जी। मेरा नाम अनुष्का है, मैं लाहौल स्पीति से हूँ और +2 की क्लास में हूँ, मैं आपकी वीडियोस हमेशा देखती हूँ, थैंक यू है। सपना सहगल मैम, आप एक्सरसाइज पे व्लॉग कब बनाओगी जिसमें थाइस, हिप्स और टमी की एक्सरसाइज हो?
प्लीज। हाँ तो पिछले कल भी योगा डे था, मैंने योग भी किया पर मैं व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि कल मैं बहुत ज्यादा बिजी थी। हमने इधर सफाई वगैरह भी की, तो मैं पक्का ही एक अलग से सेपरेट सा व्लॉग बनाऊंगी योगा के लिए, जो जिससे मैं फिट रहती हूँ, मोटिवेटेड रहती हूँ। नेक्स्ट है जी कल्पिराज, हेलो दी प्लीज, कभी सोलन भी आना जी, सोलन भी मैं पक्का आऊंगी। रीतिका बघेल, आप बहुत अच्छे हो, आपकी बात करने का तरीका मुझे सबसे अच्छा लगता है। आप रोहडू कब आओगे दी? आप रोहडू आओगे तो मेरे घर भी जरूर आना, ऑलवेज माई फेवरेट, लव यू दी, लव यू टू रीतिका जी। मैं पक्का ही रोडू आऊंगी और आपसे जरूर मिलूंगी। प्याली सिंह जी, गैस सो नाइस, थैंक यू। दूसरा बेबी का प्लान करोगी? ये अनुज, ये तो हो गया है। आप और आपकी फैमिली हमेशा हैप्पी रहे, बस्ती, लव यू, सोना ठाकुर, थैंक यू जी। मनीता कुमारी ब्यूटीफुल, थैंक यू। ब्लेसिंग फ्रॉम ठियोग, केशव शर्मा, जैसे मैं देर तक देखती हूँ ना ऐसे ऐसे करके, क्योंकि इतना छोटू छोटू सा लिखा रहता है ना तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। ब्यूटीफुल पिक पम्मी कौर जी, थैंक यू। ब्यूटीफुल सुनील सिंह जी और सुजाता लोटा, नाइस, सो क्यूट, ब्यूटीफुल, जय हो। और चलिए अब जो कमेंट मुझसे सबसे ज्यादा पूछा गया है, नाम क्या है इनके, काजल नेकी और हिमालयन ब्यूटी स्टाइल, हिमालय ब्यूटी स्टाइल, और भी बहुत से कमेंट, बहुत से इनकम से रिलेटेड भी बहुत से कमेंट जो है मुझे आते हैं, तो इसका मैं आप सभी को बस एक ही जवाब देना चाहूंगी कि देखिए यूट्यूब की जो मैक्सिमम यूट्यूबर पकाते हैं, मैं पक्का आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी। यूट्यूब की इनकम का जो है एक प्रॉपर वो नहीं है कि आपको महीने के 10 मिलेंगे, 50 मिलेंगे, लाख मिलेंगे। YouTube का जो है मंथली एल्गोरिदम के हिसाब से हमें पेमेंट मिलती है। रही बात मेरी, मुझे कितने मिलते हैं, तो ये इसका कोई प्रॉपर नहीं है कि इस महीने मुझे 10 मिले तो अगले महीने भी मुझे 10 मिलेंगे। कई बार जो है मुझे 50,000 भी मिले हैं महीने के, और कई बार जो है मुझे 7,000 भी मिले हैं, और कई बार मिले भी नहीं है। तो इस चीज का यही है, जैसा एक जुआ होता है ना, जैसे अभी ड्रीम इलेवन था वैसा ही था सेम इसमें, ये है। हाँ इसमें सिर्फ इतना अच्छी बात ये है कि इसमें हमें क्या होता है कि जो भी हमारे मंथली, जैसे हमारे $100 बन जाते हैं, तो आपको 21 तारीख को पेमेंट आनी ही आनी है, हर महीने की 21 तारीख को गिना जाएगा वो, जैसे 1 मई से 31 मई का, से 31 मई तक के आपके अकाउंट हो चुके हैं, फिर मिलेंगे आपको वो आगे मई के बाद में आने वाले जून में, मतलब कि मई का पैसा आपको 21 जून को मिल जाएगा, और फिर उसके आपको वो नेक्स्ट मंथ मिल जाएगा। और रही बात अगर $100 आपके पूरे नहीं होते हैं, मान लो आपके जो है $90 होते हैं, तो वो $90 जो है लैप्स नहीं होते हैं, नेक्स्ट मंथ अगर आप $10 कमाते हो तो वो इकट्ठा करके आपको मिल जाएगा। इसी हिसाब से जो है कई बार $100 भी बने हैं, कई बार $200 भी बने हैं, और कई बार उससे भी ज्यादा बने हैं जब वीडियो वायरल होती है। जैसे हम लोगों के लिए, छोटे क्रिएटर के लिए, 1-1.5 लाख व्यूज बहुत बड़ी बात होती है। जब वो वीडियो वायरल हो जाती है तो उसमें अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है। आप सोचिए जो लोग लाखों में व्यूज लेते हैं वो महीने के करोड़ों में भी वो कमा लेते हैं, इतना पैसा यूट्यूब से उनको मिलता है। रही बात मेरी, तो अप्रोक्सीमेटली जिसका एक वो लेके चले कि कितना, तो 8-10 ऐसे करके हम ले लेते हैं। मेहनत है, जितनी हम मेहनत करते हो उतना मिलता है। अगर आप इस चीज के बारे में सोच रहे हो ना, शुरू के 1-2 साल तो काफी अच्छे, हर यूट्यूबर की यही कहानी है। फिर उसके बाद वो क्या बोलता है कि मुझे हो रही है माइग्रेन, मुझे हो रहा है सर्वाइकल, क्योंकि इसमें टाइम देना पड़ता है, अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने पड़ते हैं। तो मोटा सा हिसाब लिखा के चलो कि मेहनत बहुत है। और अगर आप न्यू हो, स्टूडेंट हो, तो पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दीजिए। यूट्यूब में कुछ नहीं रखा है इसमें, मतलब कि बहुत से यूट्यूबर्स ने तो अभी सुसाइड भी कर दी थी जब उनको लगा कि हमारा यूट्यूब चैनल से इनकम नहीं हो रही है या कुछ इस चीज को। हाँ और यूट्यूब का एक चीज और है जहां से वो पैसे कमाते, प्रमोशन के। अभी महीने के अगर कोई 1 लाख कमा रहा है तो जो 1 लाख व्यूज एक वीडियो पे ले रहा है तो वो प्रमोशन के भी पैसे बहुत लेते हैं। तो इसमें ठीक है, मुझे भी प्रमोशन आती है, ऐसा नहीं है, पर अभी जिस लेवल पे मैं हूँ, मैं वहां पे कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं करना चाहती हूँ। ऐसा भी नहीं कहूंगी कि भविष्य में नहीं करूंगी, और मैंने की भी है कुछ वीडियोज पर मुझे अच्छा नहीं लगा। और अगर मैं कभी भविष्य में अच्छा कर पाई तो मैं प्रमोशनल वीडियो भी करूंगी, नहीं कर पाई तो भी मैं हंसी खुशी ही रहूंगी। मैं यूट्यूब को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। बहुत से यूट्यूबर ने क्या किया, व्यूज के चक्कर में डिप्रेशन में चले गए हैं, या वो आत्महत्या कर रहे हैं, या वो सोच रहे हैं कि हम
कुछ फेक ही बना लेते हैं, नहीं हम ओरिजिनल ही रहेंगे और जितने मर्जी व्यूज आए बस मुझे आपके साथ अपनी वीडियो शेयर करनी है। एक क्वेश्चन आंसर का था क्योंकि मुझे था कि शायद आप लोगों को कुछ क्वेश्चन हो, मुझे था एक्सपेक्टेशन ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, बट जितने क्वेश्चन आए मैंने उनके आंसर दे दिए हैं। कभी एक पोस्ट इंस्टा पर डालूंगी और इंस्टा पर ही उसके कमेंट में वापस रिप्लाई करूंगी, वहां पे मुझे बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, मैंने उसमें कुंडी लगा के रखी, रौनक बाहर अंदर आ रहा है।